मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्य क्षेत्र अंतर्गत गोनाहा पंचायत के पैक्स गोदाम की है। सुपौल जिले के 11 प्रखंडों की कुल संख्या 10,238 इच्छुक किसान हैं। आवेदित किसानों की संख्या 8,017 है। धान अधिप्राप्ति में गति लाने के लिए डीएम ने जिले के सभी एसडीएम और सभी बीडीओ को आदेश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 से 3 पैक्स गोदामों की जाँच करें। डीएम महेंद्र कुमार और एसडीएम एसजेड हसन ने गोनहा पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार की पैक्स के धान खरीद गोदाम का औचक निरीक्षण किया। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। अब तक 13,600 कुंटल धान खरीदा गया है। डीएम महेंद्र कुमार के पूछने पर पैक्स प्रबंधक ने बताया कि किसानों के पास धान उपलब्ध है, किसान पैक्स में बेचने के लिए भी सहमत हैं। डीएम ने लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे किसानों से भी धान खरीदने का निर्देश दिए हैं। कल कितना से खरीदे हैं सर? आज पैक्स का निरीक्षण किया जा रहा है पूरे जिले में। जो इच्छुक किसान है जिनसे कि अभी तक धान क्रय नहीं किया गया है, कैसे उनका क्रय करवाया जाए उसको लेकर के सभी पदाधिकारी सभी पैक्स में निरीक्षण कर रहे हैं। पैक्स अध्यक्ष उनको निर्देशित किया गया है कि जो रजिस्टर्ड और इच्छुक किसान है जिनसे अभी तक नहीं खरीद पाए हैं उनसे प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय सुनिश्चित करें।